किसी भी इस्लामिक रीजन में या फिर ये कहें इस्लामिक देश में, वहां पे रहने वाले अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि दुभर हो जाता है। बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उन्हें एक बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें रहने के लिए ढंग से घर नहीं दिया जाता, झोपड़पट्टियों में वहां रहते हैं। उन्हें रहने के लिए खाना पानी दाना कुछ नहीं मिलता, बल्कि अगर वो काम भी करेंगे तो शायद उनको उस चीज की जो उनका पगार बनती है या फिर ये कहें उनकी जो दिहाड़ी बनती है वो भी शायद पूरी नहीं मिलती होगी। मतलब इतनी ज्यादा उनकी व्यवस्था इतनी ज्यादा दुभर होती है, इतनी ज्यादा दयनीय होती है कि जिसे देखकर किसी को भी तरस आ जाए। परंतु ऐसा इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों के साथ होता ही है, कितना भी कर ले वहां पर ऐसा होता है। और ये गलती सिर्फ ये नहीं कि इस्लामिक देशों के रहने वाले लोगों की होती है, मैं तो ये मानूंगी कि जो अल्पसंख्यक हो चुके होते हैं ये गलती उनकी भी होती है कि जब उनका जो देश होता है वो जब बहुसंख्यक होते हैं तब वो अपने देश को बचाते नहीं है और उसके बाद अपने देश में इस तरह की बीमारियों को जन्म देना चाहते हैं। जब वो ऐसी बीमारियां पनपने देते हैं तो उसके बाद वो खुद अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ऐसा हमने पिछले कई वर्षों में हर देश के साथ देखा है। सिर्फ एक यही नहीं है कि जितने भी इस्लामिक देश बने हैं आप उनको देख सकते हैं, जो शुरू से बने हैं, जो शुरू से वहां पे उभरे हैं, वो देश छोड़कर जो बाद में इस्लामिक देशों में कन्वर्ट हुए हैं, वहां सबकी कहानी एक ही है। और आखिरकार वहां के खुद के जो व्यक्ति होते हैं, जो वहां खुद के नागरिक होते हैं, वो अल्पसंख्यक में बदल जाते हैं, क्योंकि उनमें उनकी जो जितनी आबादी होती है उनको या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर दिया जाता है। चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान की। आप सबको याद होगा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के टुकड़े करने के बाद बना है, भारत के विभाजन के बाद यह देश बना है। आप सबको यह भी याद होगा कि विभाजन के समय किस तरीके से वहां पर रहने वाले हिंदू जो यहां भारत आना चाहते थे उनको किस तरीके से यहां भेजा गया था। इतिहास खोल कर देखेंगे तो सबको पता लगेगा कि किस हालत में वो यहां आए थे, कितनी दयनीय हालत में आए थे, या फिर ये कहें कि कुछ तो बच गए थे और कुछ खत्म कर दिए गए थे, कुछ बचे ही नहीं थे। परिवार के परिवारों को मार दिया गया था, कितनी बुरी हालत कर दी गई थी हिंदुओं की। लेकिन उसके बावजूद जो लोग वहीं पर रहना चाहते थे, इन सब दयनीय स्थितियों को देखने के बाद जिनको डर लग गया था और वो सोच रहे थे कि शायद हमारा वहीं रहना, पाकिस्तान में रहना ठीक होगा, तो वो वहीं रुक गए थे। आज उनकी हालत अगर देखें तो बार बार ऐसी वीडियो सामने आती हैं सोशल मीडिया पर जो उनकी दयनीय हालत को दिखाती हैं। ना तो उनके पास रहने के लिए ढंग से घर दिया जाता है, ना ही उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, ना उनको ढंग से खाना मिलता है, ना उनको ढंग से पीने का पानी मिलता है, बल्कि इतनी दयनीय स्थिति है उनकी जिनकी जितना यहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों की बिल्कुल नहीं है। भारत में रहने वाला हर अल्पसंख्यक एक अच्छी लाइफ जी रहा है, एक बहुत बेहतर लाइफ जी रहा है। 10-10 हजार के एंड्रॉइड फोन उनके पास है, हर तरह की लाइफ जी रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बहुत ही बुरी स्थिति है और ये स्थिति बताती है वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल होती फिरती हैं। पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें यह साफ देखा गया है कि वहां पर उनके खुद के जो पुरुष हैं, जिनके जो पति हैं, वो भी वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कट्टरपंथी आए, उन्होंने तलवारों से, हथियारों से उनकी महिलाओं पर हमला किया और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की। लोगों ने हमारा क्या हाल किया है आपको नजर आ रहा है? ये हमारी जमीन का मामला है और लोग कितनी ज्यादा हम पर हमला कर रहे हैं और हम थोड़े से लोग हैं। हमारे साथ कोई लड़का कोई मर्द नहीं है, हम लोग आपस में हैं। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं ना, प्लीज हमारी मदद करो। उनको लगातार मारने की, उत्पीड़न किए करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भी वहां पर बचे हुए हैं उनका घर बार उनकी जमीनें हड़प ली जाएं। कुछ ही लोग बचे हैं वहां पर। पहले जब भारत का विभाजन हुआ था तो 20% के लगभग लोग वहां पर रह गए थे हिंदू, लेकिन आज वहां 2% भी नहीं रहते हैं, बल्कि उनको बार बार या तो कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर उनको मारा जा रहा है। और ये डाटा बताता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थितियां वहां पर बन रही हैं। इस तरह की स्थितियों को निपटने के लिए उन्हीं हिंदुओं को अच्छे से अपने साथ अपनी आवाज एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उठानी होगी,
एक अपनी आवाज को ये कहें कि जो दुनिया की सोसाइटीज होती हैं जहां पर इस तरह के कानून बने होते हैं, इस तरह के अल्पसंख्यकों के लिए कानून बने होते हैं, वहां पर अपनी आवाज उस प्लेटफॉर्म पर उठानी होगी, तभी जाकर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वरना एक दिन पाकिस्तान में एक भी हिंदू नजर नहीं आएगा, जितने भी अल्पसंख्यक है वो सभी समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे उनकी स्थिति को दयनीय बनाया जा रहा है। जब किसी के पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं बचेंगी, जब किसी के पास अपने पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचेगा, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, तो ऑब्वियस है उनको कहीं ना कहीं मजबूर किया जाएगा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, और कन्वर्ट होने के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? जब जिंदगी बचेगी तभी तो किसी ना किसी तरह का धर्म अपनाएंगे। मैं मानती हूं उस वो टाइम नहीं है जब हमारे वीर योद्धा होते थे, जब वो सोचते थे, हमारे राजा महाराजा सोचते थे कि हमें कन्वर्ट नहीं होना, भले हमें कैसी मर्जी मौत आ जाए, भले हमें कैसी मर्जी स्थिति जीनी पड़े। परंतु आज की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, वो लोग यही सोचता है, वो इंसान यही सोचता है कि मरने से तो बेहतर है कि कन्वर्ट ही हुआ जाए, और ऐसा किया जा रहा है, ऐसा जानबूझ के प्रेशराइज किया जा रहा है। इन सभी स्थितियों से निपटना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां पर इस तरह के लोगों की आवाज उठाई जाए, और ये वर्ल्ड लेवल पर होगा। जब हम जैसे लोग इस तरह की आवाज उठाते हैं तो बड़े लेवल पर भी इस तरह की आवाज उठनी जायज हो जाती है, फिर वहां उठाई जाती है। बाकी आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।